अच्छा भाई, तो अब द ट्रेनिंग वॉज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट बिकॉज मेनी यूजर्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर हैड नो एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कौन सा था उनका? वो 20 साल पुराना वाला एक्सपीरियंस था. अब जो नया सिस्टम है तो उसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए वो जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो सिविल वॉज अनहैप्पी विद द ट्रेनिंग रिसोर्सिस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर. तो उसको पता है कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए और इनको सही से ट्रेनिंग दी ही नहीं जा रही. फिर क्या था हमारे पास कि वेंडर डिड नॉट सीम्स टू हैव अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग इट्स सिस्टम एट ए कस्टमर. मतलब देखो, अगर कोई भी पुरानी फर्म होती है जिसके पास एक्सपोजर होता है, उसके पास क्या होते हैं, तमाम स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स मेथोडोलॉजी के. अगर एक फर्म के पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, इसका मतलब है कि उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है. और यही वजह है कि वो थोड़ी सी सरप्राइज नजर आई कि उनके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही नहीं है जिसको फॉलो कर रहे हो. इसी तरह से जब भी आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, आप उनसे सवाल पूछते हो. शी एक्सपेक्टेड दैट द सॉफ्टवेयर वेंडर एम्प्लॉयज वुड आस्क एन एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हाउ रिचकॉन डिड बिजनेस, कि उनसे इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, मगर उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं. बजाय इसके कि वो उनसे सवाल पूछते, उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछते, सॉफ्टवेयर वेंडर एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट पे ही फोकस किया कि नहीं आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करें. दैट मींस कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली इनका बिजनेस शिफ्ट हो जाए. होना क्या चाहिए, बिजनेस होता है, बिजनेस के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर हम अडॉप्ट करते हैं. वो क्या चाह रहे थे कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली बिजनेस शिफ्ट हो जाए. हाँ, वेरी लिटिल कंप्यूटर एक्सपर्टीज था, एडिशनली अ लॉट ऑफ अदर डिस्ट्रैक्टिंग इश्यूज वर गोइंग. ये तो थे हमारे पास आईटी के इश्यूज, इसके साथ साथ क्या था हमारे पास, बहुत सारे और भी इश्यूज जा रहे थे. मसलन सेल्स वर ड्रॉपिंग. तो एक तो इश्यू आपका आईटी का चल रहा था, हो सकता है इसमें कुछ हाथ आपका आईटी सॉफ्टवेयर का भी हो, बट आपकी सेल्स ड्रॉप हो रही थी. और उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या थी, was not performing and these other issues in the business were disguising that fact. कि ये लोग किस में लगे हुए थे, ये सॉफ्टवेयर में लगे हुए थे, उनके इश्यूज रिजॉल्व करने में लगे हुए थे, तो इनका फोकस ऑपरेशन से हटके कहां गया था, इंप्लीमेंटेशन पे आ गया था आईटी की. याद रखो क्या कहा था कि हमेशा क्या करो, अपने कोर बिजनेस पे फोकस करो, अगर उससे हटोगे भाई आईटी आपका काम नहीं है. आपका काम क्या है, आपकी ऑपरेशन, सो आप उसी पे ही फोकस करके चलो. याद है हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वल्नरेबिलिटीज वर्सेस अपॉर्चुनिटी. तो अगर वल्नरेबिलिटी है तो पहले उसको देखो. ठीक है, तो ये वल्नरेबल सॉफ्टवेयर था, इश्यूज हैं इसमें, सब कुछ है. उसके बाद फाइनली दिसंबर ऑफ 1996 रिचकॉन वेंट लाइव. सब इश्यूज होने के बावजूद ये क्या चले गए, ये लाइव चले गए. पता है ये कंप्लीटली रेडी नहीं है उसके बावजूद भी. ठीक है, इसमें मेजर इश्यूज क्या थे, जो मेजर इश्यूज थे सब मेजर इश्यूज बिकॉज वी कुडंट टाई द सिस्टम. मतलब हमारे रिकॉर्ड्स जो मैनुअल रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टम से टाई नहीं हो पा रहे. वी कुडंट गेट बिलिंग रिकॉर्ड्स, बिलिंग रिकॉर्ड्स इनको नहीं मिल पा रहा. मसलन हमारे पास क्या है, वी स्टिल हैड टू शिप, या तो डबल शिपिंग हो गई, या डबल इन्वॉइसिंग हो गई, या इन्वॉइसिंग ही नहीं हुई, या शिपिंग ही नहीं हुई. तो बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो गए थे. तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो सारा यही था कि भाई हमें क्या करना चाहिए. तो इस केस में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. मेरे ठीक है, तो थोड़ा तेज से चलते हैं हम. क्लियर है ना, ये बाकी कर लोगे, खुद घर में पढ़ लोगे, समझ तो आ गया? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टैको बेल. ठीक है, अभी टैको बेल क्या है हमारे पास, जॉन मार्टिन प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ टैको बेल. टैको बेल एक हमारे पास चेन ऑफ क्या है, रेस्टोरेंट्स है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की है. ठीक है, तो 1980s वो टाइम था जब हमारे पास जो फास्ट फूड इंडस्ट्री थी वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी. तो याद रखो जब भी ग्रोथ होती है
तो होता क्या है, आपकी डिमांड बढ़ रही होती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कंपटीशन था वो आपके पास बढ़ता जा रहा था, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब टकोबेल में क्या था, ये लेबर इंटेंसिव था ज्यादातर, वहां पे कौन काम कर रहे थे, लेबर काम कर रहे थे, और टेक्नोलॉजी इनके पास बिल्कुल भी नहीं थी, लेबर बेस्ड काम था सारा, ठीक है। अब कुकिंग वॉज ऑल्सो डन ऑन साइट, कुकिंग भी कहाँ हो रही है, वहीं पे सर्विंग एरिया है, लोग भी आ रहे हैं, कुकिंग भी वहीं हो रही है, द फूड असेंबली चेन इन द किचन। हाँ, अब हमारे पास जो किचन है वो भी वहीं है, जो फूड असेंबली है वो भी वहीं पर है, और कहाँ पे, कस्टमर सर्विस एरिया के पीछे ही है, ठीक है। अब इस बात से अंदाजा लगाओ, कैशियर टुक ऑर्डर्स एंड रोट देम मैन्युअली ऑन प्लास्टिक बोर्ड, तो प्लास्टिक बोर्ड होता था उसके ऊपर ऑर्डर्स लिखे जाते थे, और फिर बाद में ऑर्डर सर्व करने के बाद उसको मिटा दिया जाता था। तो क्या कोई पास्ट रिकॉर्ड होगा इनके पास, नहीं था। फिर हमारे पास क्या था, विद इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर क्या था, रेस्टोरेंट मैनेजर था, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर था, शिफ्ट सुपरवाइजर था, और ये लोग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व थे किस चीज के अंदर, ऑपरेशन के अंदर। फिर आज जो आपके जो आ रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट मैनेजर्स, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे किस चीज को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को। क्लियर है यहाँ तक, ये थोड़ा सा बेसिक, यस सर, क्लियर है। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं। अब हुआ क्या, पहले इन्होंने कहा भाई हम क्या करें, अब इंक्रीमेंटल चेंज पे चले जाएं। इंक्रीमेंटल चेंज क्या है, उन्होंने कहा ठीक है भाई बहुत हो गया, अब हम अपना तेज करते हैं, और तेज क्या करना है, इन्होंने ऑन एवरेज 249 न्यू स्टोर्स खोल लिए पर ईयर के हिसाब से, टोटल नहीं, पर ईयर 249 स्टोर्स फ्रॉम 1983 टू 1988। अब लगा लो कितनी तेजी में ये एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, पहली चीज। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी चीज ये की कि जो सब इनका वो था असेंबली लाइन, इन्होंने असेंबली लाइन को रिप्लेस कर दिया डबल असेंबली लाइन से, डबल कर दिया। इसी तरह से इन्होंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी अपने एम्प्लॉइज की। तो ये तो इनका एक इंक्रीमेंटल चेंज था। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं यार ये भी काफी नहीं है, ये भी काफी नहीं है, वी आर रियली अ स्मॉल प्लेयर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपना फोकस चेंज किया, क्या क्या अपना फोकस, अपना विजन चेंज किया, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग फूड, वी आर इन द बिजनेस ऑफ फीडिंग पीपल। देखो इन्होंने क्या किया कि हम अब कहा है, हम कहां जा रहे हैं, हम फूड मेकिंग ऑफ फूड पे नहीं है, प्रोडक्शन पे नहीं है, हम कहां हैं, फीडिंग पीपल, मतलब हम सर्विस की तरफ हैं, हमको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, हमें सर्व करना है। तो अपना फोकस उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से सर्विंग पे लेके आ गए। तो उसके लिए उन्होंने जो पहली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की वो क्या थी, वो थी के माइनस एंड एस ओ एस। ये के माइनस क्या है, के माइनस का मतलब है किचन माइनस। तो इन्होंने देखो पहला क्या था, वहीं पे लोग खाना खा रहे हैं, वहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, तो उन्होंने कहा था हम इसको रिप्लेस करते हैं, और क्या कर दिया, के माइनस कर दिया, किचन माइनस कर दिया, वहां से किचन रिमूव कर दिया। और दूसरा एसओएस, एसओएस क्या है, स्पीड ऑफ सर्विस, क्या करें, हमें सर्व करना है, तो जितनी जल्दी और जितनी बेहतर क्वालिटी में हम सर्व करेंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो पहला काम क्या किया, उन्होंने अपने वो बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, एरिया कैसे बढ़ गया, किचन हटा दिया वहां से, जब किचन हट गया एरिया बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या किया, स्पीड ऑफ सर्विस तेज कर दी। कोई कंफ्यूजन है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई जो हमारे पास रेस्टोरेंट मैनेजर है उनका रोल भी हमें चेंज करना है। अब मैनेजर्स का रोल क्या चेंज किए, उनका ठीक है भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नई पोस्ट आ गई, रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर RGM, एक वो आ गई। दूसरा क्या था उनका, वी रियलाइज दैट वी डोंट नीड अ होल, वी नीड अ होल न्यू पीपल सिस्टम, कि हमें क्या चाहिए, हमें बिल्कुल नए लोग चाहिए। कौन से लोग चाहिए, जो हमारे विजन को समझ सकते हो। हमारा फोकस प्रोडक्शन करना नहीं है, फूड बनाना नहीं है, हमारा फोकस
सर्व करना है. हाउ वी पेड पीपल वुड हैव टू बी डिफरेंट, तुम पैसे दे रहे हैं तो वो डिफरेंट होना चाहिए. एंड हाउ वी मैनेज पीपल वुड हैव टू चेंज, और उनको चेंज होना पड़ेगा. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है हम क्या कराएंगे, हम कोचिंग कराएंगे, हम उनकी ट्रेनिंग कराएंगे. तो जो इनके आरजीएम थे, ठीक है, अबाउट 1/3 ऑफ आवर आरजीएम कुड ग्रैब द स्पिरिट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मतलब सिर्फ 1/3 ही समझ पाए कि हम करना क्या चाहते हैं. ठीक है, अनदर 1/3 वो थे जिनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की गई, कोचिंग की गई, तो वो भी हमारे अप टू द स्टैंडर्ड पे आ गए. अनफॉर्चुनेटली जो बाकी 1/3 थे वो सर्वाइव नहीं कर सके, हमने उनको फारिग कर दिया. अब हमने उनको फारिग किया तो उनकी जगह बन गई. तो उनकी जगह पे हमने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, बिगिन लुकिंग फॉर पीपल विद स्किल्स एंड पोटेंशियल डिफरेंट देन द ओल्ड रेस्टोरेंट मैनेजर्स, जो पुराने थे उनसे डिफरेंट उनको चाहिए थे. क्यों, क्योंकि इनको चाहिए क्या है कि वो लोग जो इनकी विजन को समझ सकें कि ये करना क्या चाह रहे हैं, ये सर्विंग पे जाना चाह रहे हैं. इंडिकेटर्स टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ट्रेट्स नेसेसरी इन दी आरजीएम, तो उन्होंने टेस्ट रखे थे और उन टेस्ट में जो जो इनके ट्रेट से पूरा उतरते गया तो उनको हायर किया था, वो जो 1/3 लोग को फारिग किया था. उन लोगों की फिर ट्रेनिंग कराई गई, पॉलिसीज प्रोसीजर्स बताए गए और इनको लीडरशिप की ट्रेनिंग करवाई गई और इनको फिर फील्ड में उतार दिया गया. तो देखो इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज पे लेके आ गए. अब क्या कर रहे हैं ये लोग, अब ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये सर्व कर रहे हैं. ठीक है, बट अब तक एक सवाल नहीं आया कि अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो सर्व कैसे कर रहे होंगे. सर वो इन्होंने प्रोड्यूस कहीं इनका आई गेस वेयर हाउस है कहाँ था, वो वहां से सब कुछ बना के फ्रोजन फूड लेकर आते थे और फिर यहाँ पे किचन में सिर्फ इनको बनाना होता था. इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया था, वहां बनता था और यहाँ पे जो आपका एक छोटा सा किचन था बेसिकली उसको रिफ्रेश करके फौरन गर्म करके प्रेजेंट किया जाता था. ठीक है, जो के माइनस का कॉन्सेप्ट था वो यही था. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई ठीक है हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था हमने उसको कर दिया मार्केटिंग मैनेजर. देखो वापस सोचो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन हो गया, मार्केटिंग मैनेजर. बेसिकली कहा जाए कि सिर्फ हमने नाम चेंज कर दिया, ये नाम चेंज नहीं है, ये विजन चेंज है. ठीक है, ऐसे इन्होंने कहा ठीक है हम इंसेंटिव भी चेंज कर रहे हैं, तो सबकी जो एवरेज बेस सैलरी थी वो भी बढ़ा दी, बोनसेस देने शुरू कर दिए, इस तरह नई अट्रैक्टिव सैलरीज देनी शुरू कर दी. तो इन्होंने इंक्रीमेंट शुरू कर दिए ताकि भाई अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, जो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उतना अच्छा उसका इंक्रीमेंट होगा, तो परफॉर्मेंस खुद ब खुद बेहतर होनी शुरू हो गई. हाँ, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक किया था सेफ्टी नेट. ठीक है, क्रिएटिंग अ सेफ्टी नेट. तो तीन तरह के इन्होंने सेफ्टी नेट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे. जो पहला सेफ्टी नेट था वो था अ टोल फ्री नंबर. टोल फ्री नंबर क्या है, आप जहां से जाए इनको टोल फ्री आप फोन करें और अपना ऑर्डर बुक करा लें या जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन ले लें. दूसरा क्या था इनके पास, वो था मिस्ट्री शॉपिंग. मिस्ट्री शॉपिंग क्या होता है, आप अपने बंदा भेजते हैं पैसे देके कि जाओ वहां पे खाओ और आके हमें रिपोर्ट दो, खाना कैसा था, एनवायरमेंट कैसा था, सर्विंग कैसे की, वहां पे सफाई कैसी थी, वगैरह वगैरह. तो हमारा अपना ही बंदा कस्टमर बन के जाता है, वहां पे चीजें देखता है और फिर आके हमें रिपोर्ट करता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. क्लियर है मिस्ट्री शॉपिंग? यस सर. और तीसरे इन्होंने क्या किया था, मार्केटिंग सर्वे. तो बेसिकली इन्होंने तीन सेफ्टी नेट यूज किए थे, पहला था टोल फ्री नंबर, दूसरा था मिस्ट्री शॉपिंग और तीसरा था मार्केटिंग सर्वे. कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हमारे स्टोर के बारे में, हमारे फूड्स के बारे में, ऑर्डर करना चाहे ऑर्डर कर सकता है. तो ये क्या था, आपकी कॉस्ट नहीं लग रही तो कस्टमर इजिली रीच कर सकता है, जो पूछना चाह रहे इजिली पूछ सकता है, तो उसको ये डर नहीं होगा यार मेरे पैसे लग रहे हैं. इन्होंने बाकी फिर वही है कि इन्होंने बोलता फोकस किया था किसके ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर. ठीक है, अच्छा फिर इन्होंने एक और काम किया था, वो क्या था,
POA, POA क्या था, पॉइंट ऑफ एक्सिस, इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये पॉइंट ऑफ एक्सिस क्या होता है, आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आ रही होती है। ये आप चाहो तो इसको समझ लो कि आपका टेको वन जो इन्होंने बेसिक, इनके पास पहले बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर था, फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया, टेको वन या POAs यूज किए। POA क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो ये कर क्या रहे होते हैं कि आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर आ रही होती है, क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कितना चाहिए, तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट इसके ऊपर मौजूद होती है। ठीक है सर। हाँ सर, पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ एक्सेस मतलब थोड़ा सा बता दें इसका, क्योंकि ज्यादा कुछ जगहों पे वो भी आया है। हाँ देखो, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है आपके पास, वो वहां पे होता है जो भी आपका एरिया है, मतलब जो भी आपका रेस्टोरेंट है, जो भी आपका फीडिंग एरिया है, वहां पे जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ सेल। वो क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सेस क्या है, जो बाकी मैनेजर्स वगैरह है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, किस जगह पे क्या हमारे पास चीजें चाहिए, क्या नहीं है, कितना डेटा है हमारे पास, मतलब तमाम जो बाकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखो, पॉइंट ऑफ सेल्स का ताल्लुक सिर्फ सेल्स से होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स का ताल्लुक किससे होता है, सिर्फ सेल्स से होता है, और पॉइंट ऑफ एक्सेस के अंदर बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है। अभी समझ लो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। हेलो, पॉइंट ऑफ सेल्स में जो है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ सेल्स की होती है, मतलब एक्सेस में जितने भी। सही है, सही। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमें बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, तो हमारे पास POAs जो उन्होंने इंक्रीज कर दिया था, और फिर हमारे पास जो हाँ टैको टू आया था। टैको टू क्या था हमारे पास, टैको टू यू था भाई, जो पुराना सिस्टम था उसको उन्होंने क्या कर दिया था, ज्यादा यूजर फ्रेंडली कर दिया था। और इसके अंदर क्या था, इसमें और जो नई टेक्नोलॉजी इसमें इम्बेड की थी, इसमें और भी जो सपोर्टिंग सिस्टम थे वो भी उन्होंने इनमें इंक्लूड कर दिए थे। क्लियर है, ये क्लियर है, कंफ्यूजन है? यस सर, यस सर। ठीक है, हम सोचे जल्दी वाइंड अप करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास है वो है आई प्रीमियर। ठीक है, बेसिकली आई प्रीमियर क्या है हमारे पास, आई प्रीमियर हमारे पास एक होता है DOS और एक होता है DDOS। ये DOS या डिनाइल ऑफ सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता क्या है, एनीवन? सर, DOS में ये होता है ना कि एक सिस्टम पे पीछे से बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ रही होती है, डिफरेंट सर्वर से एक साथ बहुत सारा है ना रिक्वेस्ट एक कंप्यूटर आपको भेज रहा होता है। हाँ देखो, जो DOS होता है हमारे पास क्या होता है, DOS सिर्फ एक सिस्टम से आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जानी शुरू हो जाए, किससे, एक सिस्टम से, तो वो DOS है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और DDOS क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, मल्टीपल सिस्टम से एक सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जानी शुरू हो जाए। हाँ, DOS और DDOS पे, तो हमारे पास अगर एक सिस्टम से हमारे पास डेटा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो DOS कहलाएगा, और अगर मल्टीपल सिस्टम से क्या हमारे पास डेटा जा रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो DDOS कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जिस मल्टीपल सिस्टम से डेटा जा रहा होता है वो कहलाते हैं ज़ॉम्बीज, और उन ज़ॉम्बीज को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारा डेटा सेंड कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा सेंड कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो आई प्रीमियर कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1996 बाय द टू स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, मगर पिछले 2 साल में इनकी स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने शुरू हो गए थे, तो दैट मींस कि इन्होंने क्या किया था, एक अच्छी रेपुटेशन गैदर कर ली थी। ये वेब बेस्ड कॉमर्स बिजनेस था, तो अब ये तेजी से ऊपर जाना शुरू हो गया। अब इनका जो जो CIO था, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बॉब, उसको बेसिकली एक कॉल रिसीव होती है कि भाई हमारे पास जो वेबसाइट चल नहीं रही है, तो आई थिंक ये हैक हो गई है, क्या हो गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए उसने कहा हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा हो, तो डिफरेंट अलग अलग सिस्टम से उन्होंने एक्सेस करने की कोशिश की, मगर वो कहीं से भी एक्सेस नहीं हो रही थी। तो इनके पास एक्सेस नहीं हो रही, तो कस्टमर के पास भी एक्सेस नहीं हो रही थी, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। इतने में इनको जो ईमेल्स रिसीव होनी शुरू हो गई, और ईमेल में सिर्फ हा 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 लिखा होता, तो इसका मतलब है कि इनको लगा कि इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम हैक हो गया है। अब हैक हो गया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। बेसिकली इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई बंदा ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, किसको कहें, क्या कहें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक ये आया कि हम एक काम करते हैं, हम क्या करें, हम FBI से हेल्प लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई इस तरह हो गया, आप हमारी हेल्प करें। मगर एक प्रॉब्लम ये थी, एक ये डर था कि अगर इन्होंने FBI से हेल्प ली तो ये न्यूज मार्केट में फैल जाएगी, जो कस्टमर्स हैं वो कहेंगे भाई हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, कस्टमर्स भाग जाएंगे, नए ऑर्डर्स नहीं आएंगे, जो मार्केट ऊपर जा रही है स्टॉक मार्केट में एकदम से इनकी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। तो अब क्या किया जाए, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। ठीक है, एक ही सजेशन थी कि हम क्या कर दें, पुल द प्लग, हम क्या कर दें, हम वो प्लग ही निकाल दें ताकि हम इस रिस्क से ही बच जाए, अगर कोई आइडेंटिटी हमारी चोरी हो रही है तो वो चोरी ना हो, उससे बच जाए। ठीक है, इसी दौरान हमारे पास एक और था, वो था क्यू डेटा। क्यू डेटा कौन था, क्यू डेटा वो था जिनको इन्होंने टास्क दिया था, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, किस लिए, ताकि इन लोगों के जो डेटा सिक्योरिटी के लिए। पता चला कि भाई वो जो उनका जो बंदा है, ठीक है, वो तो वेकेशन पे गया हुआ है, और वेकेशन पे गया हुआ है तो ऑल्टरनेट कोई अभी फिलहाल देखने वाला है ही नहीं, तो अब ऐसे में करें तो क्या करें, मतलब जो जिन पे बेस कर रहे थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, हमारा बंदा तो गया हुआ है छुट्टियों पे, अब ऐसे में क्या करें। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको शट डाउन कर दें, क्या करें। बट इसी जब ये बातें चल रही थी उसी दौरान अचानक से ये अटैक रुक गया। अब जब ये अटैक रुक गया तो उन्होंने कहा अब क्या करें, क्या हम अभी भी इस बात को डिस्क्लोज करें या हम इसको ऐसे ही जाने दें। प्रॉब्लम ये थी, अगर डिस्क्लोज करते तो होता क्या, तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास हर एक के अपने अपने स्टेक्स हैं, अपने अपने बेनिफिट हैं। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को सामने रखा कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उसको नुकसान से बचाने के लिए क्या करें, हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था, अचानक से हुआ था, कुछ पता ही नहीं था, कुछ इनकी अपनी लैकनेस भी थी, तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई थी। ठीक है, तो इन्होंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई थी, वो ये थी कि एक हफ्ते बाद इन पे दोबारा अटैक हुआ, एक बार इन पे दोबारा अटैक हुआ। बेसिकली इन पे अटैक नहीं था, वो इनके कॉम्पिटिटर्स पे अटैक था, और अनफॉर्चुनेटली जो अटैक हुआ था, अगर जब उन्हें ट्रेस किया गया तो वो अटैक कहां से हो रहा था, वो आई प्रीमियर से ही हो रहा था, और इनको पता भी नहीं था। क्यों, क्योंकि इनका जो सर्वर था वो ज़ॉम्बी बन गया था और वो वहां से अटैक कर रहा था, उसको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो वो जब बंदा आया था उसने इनकी लूपोल्स चेक कर ली कि कहां कहां है। अब जब ये बात मार्केट में ओपन हुई कि अटैक कहां से आया है, आई प्रीमियर से आया है, तो अब सोचो इनके ऊपर क्या हुआ होगा, इन्होंने कैसे अपनी पॉजिशन जस्टिफाई किया होगा, क्योंकि FBI के पास इनका रिकॉर्ड नहीं था। इन्होंने कहा था कि भाई हम पे कोई अटैक नहीं हुआ, इन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया FBI को। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी किसी की? हेलो, नो सर, क्लियर है सर? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। देखो हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स करते जा रहे हैं, एक समरी के टाइप में पढ़ते जा रहे हैं, करना आप लोगों को फिर खुद से ही है, फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना, बाद में मुझे नहीं कहना कि सर ये नहीं बताया था। ठीक है, अच्छा, अब अगर इनकेस ऐसा हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए? तो देखो भाई, पहली चीज, सबसे पहला आपके पास एक रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए कि भाई कौन क्या करेगा, ये प्रोसीजर डिफाइंड होने चाहिए। आपके पास सबसे पहले सिस्टम की चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ठीक है भाई हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, कौन सी हमारे पास प्रोटेक्शन कौन कौन से अवेलेबल है, और आप उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहो। और क्या है, रिस्पांस टीम बनाओ। इसमें क्या हो कि भाई कौन रिस्पांस करेगा फौरी तौर पे, किस किस से आप कॉन्टेक्ट करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर क्या करें, आप अपने प्रोसीजर्स डिफाइन करें कि भाई अगर इनकेस अटैक होता है या कुछ भी होता है तो कौन सा कंसर्न बंद होगा जिसको आप कांटेक्ट करेंगे, वो हर वक्त अवेलेबल होगा, चाहे वो छुट्टियों में क्यों ना हो, वो अवेलेबल होगा, वो फोन आपकी रिसीव करेगा, वो आपको रिजॉल्व करके देगा। साथ में आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट होंगे। इंटरनल कौन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, एक्सटर्नल कौन से वो थर्ड पार्टी जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनके मेन पर्सन की ताकि फौरी तौर पर क्या कर सकें, आप वो डिसीजन ले सकें। फिर ऐसे ही हमारे पास सिक्योर योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करें, आप सिक्योर करें। कैसे सिक्योर करेंगे भाई, आप क्या लगाओगे, फायरवॉल। देखो DOS या DDoS अटैक होता कैसे, कब होता है, फायरवॉल, अगर आपका फायरवॉल वीक होता है, पुराना होता है, तो वो अटैक कर लेता है।
फायरवॉल करता क्या है, ये फिल्टर करता है कि भाई कौन सा अनवांटेड डेटा है जो हमारे पास जंक आ रहा है, तो उसको रोक देता है, बाकी खाली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को आने देता है। ठीक है, ये क्या है, ये फायरवॉल है। तो अपने पास फायरवॉल अपडेट करें, वीपीएन यूज करें, एंटी स्पैम यूज करें, वगैरह वगैरह इस टाइप की चीजें यूज करें, टेक्निक यूज करें, तो इससे आप क्या हो जाएगा, आपका सर्वर, आपका सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क आपका सिक्योर हो जाएगा। और क्या करें, आपको करना क्या चाहिए, बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी की चीजें आप अडेप्ट करें। मसलन आप पासवर्ड यूज करें, पासवर्ड कैसा हो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज हो, ऐसा ना हो 1234 आपने रख दिया, ऐसा ना हो अपना नाम आपने रख दिया, कंपनी का नाम रख दिया, तो ऐसा नॉर्मली यूजुअली लोग करते हैं, तो ऐसा ना करें। स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करें, अपर केस लोअर केस आप चीजें यूज करें, इन सबका कॉम्बिनेशन बनाएं। ठीक है, इस तरह हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं कि भाई आपका 5 करोड़ का नाम निकला है, उसको क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, तो भाई इस टाइप की चीजों पे आप भरोसा ना करें, इन चीजों से बचें। ठीक है, फिर अपने जो फायरवॉल है उसको सिक्योर रखें। फिर ऐसे ही हमारे पास क्या है कि मेंटेन स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आर्किटेक्चर, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि भाई आपका जितना भी डेटा है आप एक सर्वर पे ना रखें, आप क्या करें, आप उसको जो सर्वर से आप उसको डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेट करें ज्योग्राफिकली, ताकि अगर एक पे अटैक हो भी तो आप उसको फौरन डिसकंटिन्यू करके आप दूसरे सर्वर पे स्विच हो जाएं। तो इससे होगा क्या, अटैक एक सर्वर पे वो खुद ब खुद रुक जाएगा, दूसरे सर्वर पे आप स्विच हो गए, आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आर्किटेक्चर सर्वर यूज करें। इसी तरह से आप क्या करें, लेवरेज द क्लाउड। ठीक है, आप क्या करें, आप DDoS प्रिवेंशन के लिए, हाँ DDoS प्रिवेंशन के लिए आप क्या करें, आप क्लाउड यूज करें। क्लाउड के ऊपर है तो उनकी अपनी जिम्मेदारी आती है, उनके अपने ऊपर उनके पास बहुत सारे चीजें होती हैं, तो वो उसको क्या कर रहे होते हैं, ज्यादा बेटर हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनपे नॉर्मली इस टाइप के अटैक्स होते रहते हैं, तो वो अप टू डेट रखते हैं अपने सिस्टम्स को। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग द वार्निंग साइंस। हमारे पास वार्निंग साइंस क्या है, वार्निंग साइंस ये है कि भाई हमारे पास जब भी देखो हमारे पास अनयूजुअल ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो हम ये देख लें कि भाई क्या हमारे पास इस टाइम पीरियड पे अनयूजुअल ट्रैफिक होता है, एक्सेस ट्रैफिक होता है या नहीं होता। अगर उस टाइम पे एक्सेस ट्रैफिक नहीं होता, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, और उस टाइम पे आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कुछ अनयूजुअल है। इसी तरह से आपके जो पीक आवर्स है, आप देखो आपके पीक आवर्स में मोस्टली कितना ट्रैफिक होता है, अगर उस उतना है या थोड़ा बहुत उसके अप एंड डाउन है तो चलो नॉर्मल है, बट अगर उससे बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ समथिंग फिशी। चलो आपने क्या किया हो, आपने कोई क्या कहना चाहिए ऑफर निकाली हुई है, तो समझ में आता है कि ठीक है हो सकता है बढ़ गया हो, बट अगर उससे हटके आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इसी तरह से क्या है, आपके पास DDoS के लिए बेहतरीन आपके पास क्या है कि आप डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर लो और अपनी डोमेन होस्टिंग जो है किसी और से ले लो, और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, यहां भी ऐसी कुछ था, बट प्रॉब्लम ये थी कि आपने पहले ये नहीं देखा कि आइदर ये इतने कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, तो पहले इन चीजों को आप क्या कर लो, आप उसको इंश्योर कर लो कि इनमें इतनी कॉम्पिटेंसी मौजूद है। कोई सवाल आई प्रीमियर से रिलेटेड तो पूछ लो, कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। देखो फिर मैं कह रहा हूँ भाई, पढ़ना आप लोगों को है तो थोड़ा सा पढ़ लो। अच्छा, इसके बाद हम सर ये जो DOS है और DDoS सिस्टम है, अटैक्स है, इनमें डिफरेंस क्या है, जरा सा बता। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आई थिंक। नो सर, लेकिन वो मुझे शुरू में समझ नहीं आया थोड़ा सा। देखो ये एक सर्वर आपका सिस्टम है, ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये एक सिस्टम है जहां से अटैक आ रहा है आपके सर्वर के ऊपर, ये क्या है, ये DOS है। क्लियर है? यस सर। एक सिस्टम से आपके सर्वर पे अटैक आ रहा है, ये क्या है, आपका DOS है। मगर अगर आपके पास ऐसा हो जाए, कि
मल्टीपल जगहों से आपके सर्वर पे अटैक आ रहा हो तो ये क्या बन जाएगा, ये DDoS बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। एक को ट्रेस करना आसान होता है मगर जब मल्टीपल जगहों से आ रहा होता है तो आप ट्रेस नहीं कर पाते कि भाई एक्चुअली अटैक हो कहां से रहा है। और ये कहलाते हैं ज़ॉम्बीज, इनको खुद भी नहीं पता होता कि अटैक कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक अच्छा फायरवॉल इन तमाम चीजों को रोक सकता है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन कुछ है तो पूछ लो। किसी कुछ पूछना है सर? आप ये फाइल शेयर करेंगे ना? यार मैं फाइल शेयर नहीं करूंगा। हाँ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, नोट्स खुद बना। यस सर रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, नोट्स खुद बनाने। सर फाइल भी कर दो तो हेल्प जाएगी, समरी लिखी हुई है ना। मेहनत कर लो, ठीक है, खुद बनाओ, पढ़ोगे नोट्स बनाओगे तो होगा, वरना फायदा नहीं होना। अगर ये होगी मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम लोग कोई कुछ करोगे नहीं, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ खुद, ठीक है। रिकॉर्डिंग हाँ मैं दे दूंगा, रिकॉर्डिंग सुनो 10 बार सुनो। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर हाँ सर, ये केस ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब कोई एक आइडिया दे दें। लेट सपोज मैं ये कह देता हूँ भाई कि हमारे पास हाँ कि लेट सपोज जब ये अटैक हुआ था, ठीक है, तो इस अटैक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या इस अटैक के लिए क्या करना चाहिए था, या अगर आप होते यहाँ पे तो क्या करते, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ ले वो हमें पता होना चाहिए सर, मतलब हमें इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना अपने तरीके से। हाँ। देखो किसी भी का मकसद ही यही होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ पूछना है तो पूछ लो।